अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिट प्लस। आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम या इसको ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी कहते हैं लैप्लास की, वो डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने लैप्लास की काफ़ी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया हुआ है, जिसमें से कि हमने लीनियर प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है, डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है, सेकंड डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है। आज की ये जो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है या ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या होती है ये प्रॉपर्टी, डील करते हैं इसके साथ। हमारे पास है ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या इसको ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी भी कहते हैं। हमारे पास कुछ इस तरह है ये प्रॉपर्टी। लेट f ऑफ x इज़ इक्वल टू लैप्लास ऑफ f ऑफ t। ये आपको पता है इस बात का कि ये जो कैपिटल F है ये बेसिकली लैप्लास होता है आपके फंक्शन का, और आपको पता है लैप्लास क्या होता है। लैप्लास बेसिकली आपका एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि आपकी वेरिएबल t से s की फॉर्म में मूवमेंट होती है या चेंजिंग होती है। एंड देयर एग्जिस्ट s ग्रेटर दैन b फॉर एनी कॉन्स्टेंट a सच दैट s ग्रेटर दैन a प्लस b लैप्लास ऑफ f ऑफ e ऑफ a t f ऑफ t एग्जिस्ट और इट इज़ इक्वल टू f ऑफ s माइनस a। क्या मतलब है इस बात का स्टूडेंट, क्लियर सा मतलब ये है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई सा f ऑफ t आ जाता है, अब f ऑफ t से क्या मुराद है मैं ज़रा आपको यहाँ पे बताता हूँ। f ऑफ t से मुराद ये है कि आपको कोई सा एलिमेंट्री फंक्शन लाइक f ऑफ t, मिसाल के तौर पर आपके पास t है, f ऑफ t आपके पास साइन t हो सकता है, आपके पास f ऑफ t कोज t हो सकता है, यानी कि कोई सा एलिमेंट्री फंक्शन या f ऑफ t आपके पास साइन हाइपरबोलिक t हो सकता है और इसी तरह कोज हाइपरबोलिक t हो सकता है। आपने इसका लैप्लास कैसे लेना है, जब आपका कोई सा एलिमेंट्री फंक्शन e ऑफ a t के साथ आ जाएगा, उस सूरत में आपने जो लैप्लास लेना है वो इक्वल होगा f ऑफ s माइनस a, यानी जो आपके एलिमेंट्री फंक्शन का लैप्लास होगा उसमें जहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के t के साथ जो भी वेरिएबल होगा, सॉरी कांस्टेंट या कोफिशिएंट होगा, आप उसको माइनस के फॉर्म में लिखेंगे। क्या मतलब इस बात का, फॉर एग्जांपल हमारे पास लैप्लास है t स्क्वायर, इसका किसके इक्वल होता है 2/s³ आता है इसका लैप्लास। क्यों, क्योंकि हमें पता है ये 2 फैक्टोरियल ओवर 1 पावर हमने ऐड करनी होती है। बेसिकली लैप्लास ऑफ टी एन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आपको क्लियरली पता है n फैक्टोरियल ओवर s की पावर n प्लस 1, ये हमारे पास टी एन का लैप्लास है। अच्छा, अब अगर फ़र्ज़ करो ये इस तरह आ जाता है e ऑफ ए टी टी स्केयर, अब f ऑफ टी की जगह पे एक आपका फंक्शन आ गया है टी स्केयर। आपको पता है कि टी स्केयर का लैप्लास क्या होता है, वो आपको पता है कि 2/s³ है। तो अब साथ में ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब आएगा तो उस सूरत में जो आपका एलिमेंट्री फंक्शन होगा उसका जो भी लैप्लास होगा उसमें s के साथ यहाँ पर a के तौर पर जो कोफिशिएंट होगा वो माइनस कर देंगे। यानी अब इस टोटल का लैप्लास क्या बनेगा, हमें पता है कि टी स्केयर का लैप्लास होता है 2/s³, तो 2 जहाँ पर भी s होगा वहाँ पर आपने जो कोफिशिएंट एक यानी एक्सपोनेंशियल का होगा वो रिप्लेस कर देना माइनस की फॉर्म में। तो ये आपके पास इसका लैप्लास आ गया है। स्टूडेंट्स अगेन सुन लें, मैं ये कह रहा हूँ, पहले तो हमने सिंपल लैप्लास डिस्कस किया एलिमेंट्री फंक्शंस का, ये आपने सीखा है। लेट्स सपोज कि हमारे पास फंक्शन है साइन टी, इसका लैप्लास किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, a/s² + a² हमारे पास इसका लैप्लास होता है। इसी तरह लैप्लास ऑफ कोज टी किसके इक्वल होता है, ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया s/s² + a²। अब फ़र्ज़ करो हमारे पास इस तरह आ जाता है लैप्लास ऑफ e ऑफ 3t sin t। अब देखें इस पर आपने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाना है। कैसे आपको पता चलेगा, जब भी आपकी एलिमेंट्री फंक्शन के साथ, कौन से एलिमेंट्री फंक्शन होते हैं, साइन और हाइपरबोलिक, कोज हाइपरबोलिक, साइन कोज e ऑफ a t और t, मतलब जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताए हुए, जब भी आपके किसी एलिमेंट्री फंक्शन के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा तो उसका लैप्लास लेने का आसान सा तरीकाकार ये है, जो लैप्लास आपके एलिमेंट्री फंक्शन का होगा, मसलन साइन टी का लैप्लास क्या होता है a/s² + a², आपने उस लैप्लास में जहाँ पर आपका s होगा वहाँ पर आपने आपके एक्सपोनेंशियल का जो भी कोफिशिएंट है वो माइनस की फॉर्म में लिखना है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो प्लस कर देते, अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देंगे। तो अब इस टोटल का लैपलास क्या होगा, a ओवर s माइनस 3 स्केयर प्लस a स्केयर, दैट इज़ द लैपलास ऑफ गिवन फंक्शन। अगेन मेरी बात को डियर स्टूडेंट समझिएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसी भी एलिमेंट्री फंक्शन के साथ आ जाए तो उसका लैपलास का तरीका कार ये होता है कि आपका जो भी एलिमेंट्री फंक्शन का लैपलास होगा, जो भी उसमें जहाँ पर s होगा वहाँ पर आपने अपने एक्सपोनेंशियल का कोफिशिएंट रिप्लेस करना है। दैट इज़ टू बी द एलिमेंट्री फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम या ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। अब जरा देखें स्टूडेंट्स, आप मुझे बताएं, मसलन मैं कहता हूँ व्हाट इज़ द लैपलास ऑफ कोस ई ऑफ 2t cos t। अब आपको पता होगा cos t का लैपलास क्या होता है, हमें पता है s ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब आपने अब cos के साथ कौन सा फंक्शन आ रहा है, e ऑफ 2t आ रहा है, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है। जब भी एलिमेंट्री फंक्शन के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा तो आपका जो भी एलिमेंट्री फंक्शन का लैपलास होगा उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो पावर में t के साथ कोफिशिएंट आ रहा होगा वो माइनस की फॉर्म में लिखेंगे। अगर यहाँ पे माइनस 2 होता तो प्लस कर देते, अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे। तो अब इसका अगर ये फॉर एग्जांपल आपके पास 2 की फॉर्म में, तो इसका लैपलास क्या होगा डियर स्टूडेंट, s के साथ माइनस 2। क्यों? क्योंकि हमें पता है कोस का लैपलास ये होता है। इसको हल करने का बेहतर तरीका कार ये है कि पहले आप यूँ कर लें, आप लिख दीजिएगा वी नो दैट लैपलास ऑफ कोस t बराबर है s ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब लैपलास ऑफ e ऑफ t cos t किसके इक्वल होगा, s के साथ जो भी एक्सपोनेंशियल का कोफिशिएंट है वो रिप्लेस कर देंगे, s माइनस 2 ओवर s माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर। बाद में आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वो प्लस माइनस का काम है, वो किस तरह करना मैं आपको बता देता हूँ। अब s माइनस 2 आ जाएगा ओवर क्या आएगा, अब यहाँ पर स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे, s स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4s प्लस a स्क्वायर। तो ये आपको सिंप्लीफाई फॉर्म बन के आपके पास ये लैपलास आ गया इस फंक्शन का। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। डियर स्टूडेंट्स मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें आपके पास आ जाता है फाइंड आउट द लैपलास ऑफ e5t साइन हाइपरबोलिक t। अब आपने इसका लैपलास कैसे लेना है, आप देखें ये आपका एलिमेंट्री फंक्शन है, इसके साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है। पहले आप लिखिएगा वी नो दैट लैपलास ऑफ साइन हाइपरबोलिक टी किसके इक्वल होता है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास होता है ए ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा, अब ये तो इसका लैपलास हो गया, आपने इस टोटल फंक्शन का लैपलास लेना है। तो आपको पता है जब भी एलिमेंट्री फंक्शन के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है तो जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर होती है उसमें टी से जो कोफिशिएंट होता है वो आपने s के साथ माइनस के फॉर्म में लिखना है। अगर यहाँ पे माइनस है तो वहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस टोटल फंक्शन का लैपलास क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, टोटल फंक्शन का लैपलास बनेगा a ओवर s माइनस 5 स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, दैट इज द लैपलास ऑफ गिवन फंक्शन। तो बात का खुलासा ये हुआ कि जब भी कभी आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसी भी एलिमेंट्री फंक्शन के साथ आ जाए, आपने उसका लैपलास लेना हो तो जो भी एलिमेंट्री फंक्शन का लैपलास होगा उसमें s के साथ a को माइनस कर देना। अगर यहाँ पे माइनस a हुआ तो यहाँ पे क्या कर देना, प्लस। दैट इज़ द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम और ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ अ लैपलास। चलें अब डिस्कस करते हैं हम अपनी बुक से। अच्छा, इसका प्रूफ है डियर स्टूडेंट्स, बड़ा आसान सा प्रूफ है। अब हमें पता है कि ये डेफिनेशन है लैपलास की, अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर सुना हो तो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लैपलास। अब हमें पता है डियर स्टूडेंट्स कि लैपलास को हम डिनोट करते हैं f कैपिटल ऑफ s से, और f कैपिटल f से हम इसको डिनोट करते हैं, और ये बेसिकली लैपलास किसके इक्वल है, 0 टू इन्फिनिटी e ऑफ माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब आप क्या करें, लैपलास ऑफ e ऑफ ए टी एफ ऑफ टी हमने इसका लिया, हमने बेसिकली जो फंक्शन ले रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ एलिमेंट्री फंक्शन है उसको यहाँ पे लैपलास के फॉर्म में लिखा, लैपलास की डेफिनेशन अप्लाई कर दी हमने, और e ऑफ ए टी वैसे का वैसे आ गया। अब देखें, पता है आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये भी एक्सपोनेंशियल है, ये भी एक्सपोनेंशियल है, तो जब आपके पास ये एक आ रहा है ई ऑफ माइनस एस टी और दूसरा है ई ऑफ ए टी, तो जब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, तो ये बन जाएगा ई ऑफ ए टी माइनस एस टी, टी को कॉमन ले लो तो आपके पास एस माइनस ए की फॉर्म बन चुकी है एफ ऑफ टी डी टी। अब आपको पता है डियर स्टूडेंट्स कि ये आपके पास एक प्रॉपर वे में डेफिनेशन है लैपलास की, ये लैपलास की डेफिनेशन है जब ई ऑफ माइनस एस टी की फॉर्म हो। अब यहाँ पे एस माइनस ए की फॉर्म बन रही है तो आपके पास यहाँ पे एफ ऑफ एस माइनस ए की फॉर्म आ जाएगी, दैट इज़ अ सिंपली लैपलास और लैपलास ऑफ गिवन ट्रांसलेशन फंक्शन। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है डियर स्टूडेंट्स, आपको बेसिकली जो बताया जा रहा है वो ये है कि अगर कभी भी एलिमेंट्री फंक्शन के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए तो आपने जब उसका लैपलास लेना है तो जो भी आपके एलिमेंट्री फंक्शन का लैपलास होगा उसमें ए को माइनस करके लिख देंगे, आपका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट आ जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद बातें करेंगे और मज़ीद क्वेश्चंस को डील करेंगे। अभी के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिफरेंट वैल्यूज़ का लैपलास लेना सिखाऊँगा। अल्लाह हाफिज़।